क्या गैर महरम को सलाम करना शरान जायज़ है? देखें, बिला ज़रूरत तो जायज़ नहीं होता और मर्द औरत को ना करे, जो अजनबी औरत है ना अजनबी औरत मर्द को करे। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत हो जाती है बाद अवक़ात कि अगर आप सलाम ना करें तो ये उर्फ ऐसा होता है बाद अवक़ात कि बुरा महसूस किया जाता है और इससे ख़ानदानी तनाज़ों और जन्म लेते हैं। जैसे घर में बाद अवक़ात मेहमान आ जाते हैं, बच्ची के ससुराल वाले आ गए, उनमें नामहरम है, अब उन्होंने सलाम किया, जवाब ना दें तो बाद अवक़ात नाराज़गी हो जाती है कि भाई हमने तो सलाम किया, जवाब तक नहीं दिया। इसी तरीके से जब यहाँ पर कोई बहनें हमें क्वेश्चन करती हैं तो सलाम करती हैं, अब अगर मैं इस वजह से जवाब ना दूँ कि नामहरम है, तो बहुत से सुनने वाले जिनको शरई मसला मालूम ना होगा वो यकीनन बदगुमान होंगे कि जी देखें सलाम किया और जवाब भी नहीं दिया। उनको बदगुमानी से बचाने के लिए जवाब देना शरण जायज़ है। अच्छा, जवाब देना कोई हराम नहीं है कि अगर आप जवाब देंगे तो हराम हो जाएगा, एहतियात पर मबनी है। तकवा ये है कि महरम ना गैर महरम के सलाम का जवाब ना दिया जाए ताकि मर्द की आवाज़ औरत औरत की आवाज़ मर्द तक बराह रास्त मुखातब करते हुए ना पहुँचे। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात होते हैं, जैसे बाहर के मुल्क हैं जहाँ पर मतलब बहुत से ऐसे कम इल्म लोग होते हैं, उनको मसाइल मालूम नहीं होते, और अगर आप सलाम जवाब ना करें या सलाम का जवाब ना दें तो उनके नाराज़ होने का अंदेशा होता है, बदगुमान होने का अंदेशा होता है और उससे ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। तो हिकमत के साथ ज़रूरतन जवाब दिया जा सकता है, लेकिन बिला ज़रूरत एहतियात ही करें, यही बेहतर।